सी टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग करेंगे केंद्रीय बीज समिति या सेंट्रल सीड कमेटी। तो केंद्र सरकार इसका गठन करती है। यह प्रशासन व बीज संबंधी मामलों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को सलाह देने का कार्य करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस, इट सर्व्स टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीड्स। अब बीज संबंधित मामले या सीड रिलेटेड मैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला है नई किस्म का विमोचन यानी रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, दूसरा है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, तीसरा है बीज प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इसके मेंबर्स की बात करें तो एक तरफ पद या पोस्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ संख्या या नंबर्स है, और फिर किसके द्वारा नामित किया गया है या नॉमिनेशन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। चेयरमैन की बात करें तो केवल एक ही होता है ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा 8 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से या स्टेट गवर्नमेंट से अगर अपने बात करें तो एक एक प्रत्येक राज्य से या वन वन फ्रॉम ईच स्टेट जो है मेंबर जो है वो लिया जाता है सेंट्रल सीड कमेटी के अंदर। अब एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है, सीएससी यानी कि सेंट्रल सीड कमेटी जो है उसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है तथा फिर से नामित होने के लिए योग्य होता है। तो 2 वर्ष के बाद जो मेंबर है या सदस्य है वो फिर से जो मेंबर है वो बन सकता है। इन सीएससी ईच मेंबर हैज ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स एंड इज एलिजिबल फॉर टू बी रीनोमिनेशन। तो रीनोमिनेशन हो सकता है उसका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज प्रतिस्थापन दर या सीड रिप्लेसमेंट रेट। बीज प्रतिस्थापन दर यानी SRR या बीज प्रतिस्थापन अनुपात इस बात का माप है कि खेत में बचाए गए बीजों की तुलना में प्रमाणीकृत बीजों से कुल कितना फसली क्षेत्र बोया गया है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, SRR इज इक्वल टू प्रमाणीकृत बीज द्वारा बोया गया क्षेत्र भाग कुल बोया गया क्षेत्र इनटू, या इसको गुणा करेंगे 100 से तो हमारी जो बीज प्रतिस्थापन दर है वो निकल जाएगी। उसके बाद जो बीज प्रतिस्थापन दर है इसका उपयोग क्या है, यह इस बात का अंदाजा देता है कि किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत प्रमाणीकृत बीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह आगे उत्पादन के लिए प्रमाणीकृत बीज की आवश्यकता को उजागर करता है। तो ये 2 इसके उपयोग हैं। इंग्लिश में अगर आपने देखें तो सीड रिप्लेसमेंट रेट या SSR क्या है और इसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। इट इज़ ए मीजर ऑफ हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वाज सोन विद द सर्टिफाइड सीड्स इन कंपैरिजन टू फार्म सेव्ड सीड्स। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SRR इज इक्वल टू एरिया सोन बाय सर्टिफाइड सीड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया सोन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग SSR को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या क्या यूजेस हैं SRR या सीड रिप्लेसमेंट रेट के? तो सबसे पहला इसका यूज है, इट गिव एन आइडिया ऑन हाउ मच सर्टिफाइड सीड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बाय फार्मर्स। सेकंड इसका यूज है, इट एक्सपोज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो बीज प्रतिस्थापन दर या SSR जो है वो कितनी होनी चाहिए ये अलग अलग फसलों के लिए निर्धारित की गई है। तो जैसे स्वपरागित फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर कम से कम 33% होनी चाहिए, परपरागित फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर कम से कम 50% होनी चाहिए और संकर किस्मों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 100% होनी चाहिए। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट या SSR जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिसाइड की गई है। फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो मिनिमम 33% होनी चाहिए, फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए और फॉर हाइब्रिड वेराइटीज जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 100% होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम या नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो इसको NSC के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। NSC की स्थापना मार्च 1963 में हुई थी, हालांकि इसने जुलाई 1963 में कार्य करना शुरू किया। यह नई दिल्ली में पूसा कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना देश में गुणवत्ता संपन्न बीज उत्पादन और बीज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इंग्लिश में अगर आपने देखें द NSC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1963।
However, it started functioning in July 1963. It is located in the Pusa campus in New Delhi. It was established to take up the work of quality seed production and promote seed industry in the country. तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं. तो एनएससी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1963 में हुई थी. एनएससी ने कार्य करना कब शुरू किया था? जुलाई 1963 को शुरू किया था. एनएससी कहाँ पर स्थित है? ये पूसा कैंपस नई दिल्ली में स्थित है. एनएससी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो दो इसके मेन उद्देश्य हैं. एक तो है देश में गुणवत्ता बीज उत्पादन करना और दूसरा है जो देश के अंदर बीज उद्योग है उसको बढ़ावा देना. इंग्लिश में अगर अपने देखें तो एनएससी जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? मार्च 1963 में. स्टार्ट वर्क कब किया था एनएससी ने? जुलाई 1963 में. लोकेशन देखें अगर एनएससी की तो पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में है. और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एनएससी के एस्टैब्लिशमेंट के, तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड दूसरा है प्रमोट सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री. अब एनएससी के मुख्य कार्य जो हैं वो नीचे दिए गए हैं. मेन फंक्शंस ऑफ एनएससी वाज गिवन बिलो. सबसे पहला है चयनित फसलों के गुणवत्ता संपन्न बीज का उत्पादन. अब गुणवत्ता संपन्न बीज तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज. तो इनका उत्पादन करना सबसे पहला इसका कार्य होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स मींस ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स. दूसरा है राष्ट्रीय किस्मों का अंतरराज्यीय बीज विपणन, इंटर स्टेट सीड मार्केटिंग ऑफ नेशनल वेराइटीज. जो नेशनल वेराइटीज हैं उनका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उनको उनकी मार्केटिंग करने का जो कार्य है वो एनएससी का होता है. उसके बाद तीसरा है बीज उत्पादन कार्य के बारे में अल्पकालीन प्रशिक्षण देना, इम्पार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अबाउट सीड प्रोडक्शन वर्क. उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है, यह राज्य बीज निगमों के साथ प्रमाणित बीज उत्पादन के कार्य का समन्वय करता है. इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन विद स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस. उसके बाद नेक्स्ट इसका कार्य है, यह बीज संसाधन संयंत्रों के डिजाइन, खरीद और स्थापना के बारे में परामर्श देता है. इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी अबाउट डिजाइनिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स. उसके बाद नेक्स्ट इसका कार्य है, उन राज्यों में बीज प्रमाणीकरण का कार्य करता है जहां राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई है. टेक अप सीड सर्टिफिकेशन वर्क इन दोज स्टेट्स वेयर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड. उसके बाद लास्ट इसका वर्क है, बीजों के आयात और निर्यात से भी संबंध रखता है. इट ऑल्सो डील्स विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सीड्स. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे AICCIP. इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है. इसकी स्थापना 1967 में कोयम्बटूर मुख्यालय के साथ की गई थी. इससे पहले इसका जो क्षेत्रीय स्टेशन था वो IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था न्यू दिल्ली के अंदर. AICCIP में राष्ट्रव्यापी नेटवर्क केंद्रों के साथ कपास पर बहुस्थानिक और बहुआयामी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, जिसमें कौन भाग लेता है? सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं. इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं. AICCIP जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में हुई. पहले इसका जो क्षेत्रीय स्टेशन था वो IARI न्यू दिल्ली था. वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कोयम्बटूर है. उद्देश्य की बात करें तो कपास पर बहुस्थानिक और बहुआयामी अनुसंधान कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है. और इस अनुसंधान कार्य में सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो शामिल होते हैं. इंग्लिश में अगर अपने देखें तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 विद द हेडक्वार्टर्स एट कोयम्बटूर एट द अर्स्टवाइल IARI रीजनल स्टेशन. The AICCIP is vested with multi-location and multidisciplinary research work on cotton with a nationwide network centers involving agricultural universities of all the major cotton growing states. अब AICCIP के तहत multi-location trial यानी MLTs जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं. इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो multi-location trials और MLTs are conducted under AICCIP. अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं. तो AICCIP जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में. प्रायर रीजनल स्टेशन इसका था IARI न्यू दिल्ली. रिसेंट जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कोयम्बटूर. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टी लोकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क ऑन द क्वार्टर.
अब इस रिसर्च वर्क में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑल द मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क। अब ये जो परियोजना है उसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त कपास की किस्में और संकर विकसित करना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। टू डेवलप कॉटन कल्टीवर्स एंड हाइब्रिड्स बेस्ट सुइटेड फॉर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है अजैविक प्रतिबलों के प्रबंधन सहित सिंचित और वर्षा आधारित दोनों क्षेत्रों के लिए कपास की उन्नत किस्मों से अधिकतम उपज या लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य और आर्थिक क्षेत्र आधारित कृषि तकनीक विकसित करना। इंग्लिश में अगर आपने देखें तो टू डेवलप वायबल एंड इकोनॉमिकल एरिया बेस्ड एग्रो टेक्निक्स फॉर रियलाइजिंग मैक्सिमम यील्ड्स और प्रॉफिट्स from improved cotton cultivars for both irrigated and rain-fed conditions including management of abiotic stresses। उसके बाद next इसका objective है विभिन्न कृषि जैव स्थितियों के तहत आर्थिक और प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन तकनीकों को विकसित करना। To develop economic and effective pest and disease management practices under different agro-biological conditions।